कैबिनेट मंत्री बनने के बाद महिपाल ढांडा का पानीपत पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान महिपाल ढांडा ने कहा कि मुझे जो पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दी गई है उस पर वे खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल भाजपा को कांग्रेस द्वारा 70 साल में खोदे गए गड्ढे भरने में लग गए और पिछले कार्यकाल में पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से भी ज्यादा रुपया इसी विधानसभा क्षेत्र को मिला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 दिन पहले कांग्रेस कह रही थी कि उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर नायब सरकार बनी है। उन्होंने कहा कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है और हम लोग तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हमें मिले। दोबारा को कैबिनेट मंत्रालय मिला है आपका, प्रमोशन ये तो क्या कहते हैं? सेवा करने का मौका मिला, ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे, इसी संकल्प के साथ जो भी समस्या या मेरे जिम्मे जो भी दायित्व मुझे मिला है उसमें जो भी करणीय कार्य है उस काम को करते हुए 100% डिलीवरी देना, इसका मेरा प्रयास है। आने वाले तो सिर्फ कहना है कि 10 साल हो गए क्या किया, अगर हम लोग कहें कि 70 साल में क्या हुआ, वो तो तुमने गड्ढे खोदे हुए थे ना 60-70 साल में, उसको भरने में इतना टाइम लग गया। पैसा तो पैसा है, एक लिमिट है डेवलपमेंट के लिए हमें कितना मिलेगा। फिर भी मैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसे लेके अपनी विधानसभा में लगाने वाला विधायक हूँ, शायद मुख्यमंत्री जी से भी ज़्यादा पैसा मैंने अपने क्षेत्र से लगाया, 2-3 गुना से भी ज़्यादा हूँ। अब ये जो काम हुए हैं, ये जो गंदगी समाप्त हुई है, इस गंदगी को साफ करके और अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा हमारा शहर कैसे बने, इसकी एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता हो, बनाने भी लग रहा हूँ, बनाते तुरंत हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। सर थोड़ा कार्यकाल मिला था पिछले, इस बार तो पूरे 5 साल है। हाँ। थोड़े कार्यकाल में पंचायत में सरपंचों को बहुत बड़ी पावर दी, इस बार 5 सालों में क्या नजर आ रहा है? कि मैंने बताया ना, विकास सतत होने वाली प्रक्रिया का नाम है। जो जो भी संज्ञान में मेरे आएगा या जो भी डिपार्टमेंट मुझे काम करने के लिए मिलेंगे, उसमें जो भी समस्याएं उनका निदान करना और पब्लिक हित के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बना के उसको 100% डिलीवर करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हम लोग इस पे काम। सर खुशी का मौका है, लेकिन एक क्वेश्चन, प्रतिपक्ष का अभी तक उनमें लड़ाई चल रही है सर, नेता की लड़ाई चल रही है। देखिए और क्या करेंगे, वो लोग यही काम तो करना है। पहले वो देखिए, कांग्रेस एक टूटा हुआ तांगा है, लचर पचर उसके घोड़े हैं, लचर पचर घोड़ों ने एक टूटे हुए तांगे को खींचना है, और कभी भी अगर तांगा टूटा और घोड़े लचर पचर हो तो मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए फिर वो झूठ का सहारा लेते हैं, अफवाहों का सहारा लेते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, गलत तरीके से मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, मगर उससे कभी सफलता नहीं मिलती। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने अभी 4 दिन पहले ये घटना घटी है। पहले वो लोग आपस में ये लड़ रहे थे हमारी सरकार बन गई, सरकार बन गई, कहाँ तक बन गई भाई, बोला हम सरकार तो बस बन गई है, हमने तो शपथ लेनी बाकी है, तो शपथ लेके नायब सैनी जी, महिपाल ढांडा जी, बाकी 12-13 आदमी हैं, तो लोग भी हैं, नेता की बात करें कि नेता बनेंगे। अब अपने आप को जिंदा रखना है तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए लोग करेंगे, इनका कोई वजूद नहीं बचा। हम तो ये चाहेंगे कि भी एक मजबूत विपक्ष आए, पिछले 10 साल एक मजबूत विपक्ष का टोटा हरियाणा की विधानसभा में हमने बिल्कुल साफ देखा, इनके पास कोई मुद्दे नहीं, जनता के बीच में जाते नहीं, बिना जनता के बीच में जाए कुछ बातें अपने हिसाब से मीडिया में बोलते, फिर वही मीडिया की कटिंग उठा के विधानसभा में ला कर आधार बना के वो अपनी बात करते हैं। ऐसे कभी कोई विपक्ष थोड़ी नहीं होता है, विपक्ष का काम होता है अगर कहीं पक्ष कहीं गलत काम कर रहा हो या किसी मुद्दे को इग्नोर कर रहा हो या तत्काल ज्वलंत मुद्दों से सरकार का ध्यान इधर उधर हो रहा, तो उस ध्यान को भटकने से रोकना, उस मुद्दे को विधानसभा में उठा के उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपने समाधान भी बताना और सुझाव भी देना, मगर आज तक विपक्ष ने कभी इस तरह का काम नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बौद्धा विपक्ष रहा है, इस बार मजबूत विपक्ष मिले ऐसी हम लोग कामना करते हैं। चलिए भैया, ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।